नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, यानी कि इनकी जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, फिर चाहे आप लोग बायोग्राफी कह सकते हैं इनकी। तो याद रखिए, आपके जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम से पहले तक, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगाकर आपके जो के आर नारायण तक हम बात कर चुके हैं, और आपके प्रधानमंत्रियों की बात करें तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और जो भी व्यक्ति आपके करंट में चर्चा में रहते हैं उन पर भी हम लोग बात करते रहते हैं, उनकी भी जिंदगी के बारे में जानते रहते हैं। आज हमें डॉक्टर साहब की जिंदगी के बारे में जानना है। और याद रखिए, बायोग्राफी के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में सभी की बायोग्राफी डली हुई है। तो ये हैं आपके डॉक्टर साहब। मेरा डॉक्टर साहब कहने का मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। यह एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य भी किया है। किसने? डॉक्टर साहब ने। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें। उन्होंने देश की कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों जैसे आपका डीआरडीओ, इसरो, इसरो इसमें कार्य भी किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने देखा था कि 1998 में आपके यहाँ परमाणु परीक्षण किया गया। पहले आपका 1974 के करीब किया गया था, उसके बाद आपका 1998 में किया गया। इसमें सफलता के इसकी सफलता का कारण आपके डॉक्टर साहब को भी जाता है। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, इसी कारण इन्हें आप लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। किन्हें? डॉक्टर साहब को। सन 2002 में कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 11वें, और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट रहे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे भारत रत्न की इन्हें सम्मानित किया गया, कई और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की कितनी अवधि होती है? कार्यकाल 5 वर्ष का। तो इन्होंने 5 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उसके बाद समाज सेवा में बाकी अपने कार्यों में लौट गए। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? अउल पाकिर जैनुल अबिदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है। कब? 15 अक्टूबर 1931 को होता है। कहाँ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में होता है। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे, नाव चलाने वाले नाविक थे। उनकी माताजी थी अस्थी अम्मा, एक गृहिणी थी यानी कि घर का काम करने वाली। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम समाचार पत्र वितरण का कार्य भी करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। क्या थे? एक सामान्य छात्र थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी। किनके? डॉक्टर साहब के अंदर सीखने की भूख थी। बात याद रखिए, होशियार व्यक्ति, कभी भी आपने देखा होगा जो भी खोज की, महत्वपूर्ण खोजें की महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो इसी तरह के व्यक्ति ने दिया होगा जिसकी खोजने की जाहत ज्यादा रहती है। अब रट कर पढ़ने वाले की छोड़िए आप लोग, उसका वो पास तो परीक्षा तो पास कर सकता है, लेकिन आप सोचिए कि वैज्ञानिक में, वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर आपका दिमाग नई नई चीजों को खोजने की तरफ नहीं आकर्षित होता है तो आप शायद उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की जो पढ़ाई थी रामनाथपुरम इश्चेवार्थ मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। उसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ सेप्स कॉलेज में दाखिला के लिए चले गए, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। प्रातः 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ये उनके शुरुआत का जीवन है। अब कैरियर की बात करते हैं उनके, दूसरे पड़ाव पर चलते हैं हम लोग, कैरियर। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया था। इन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना कदम रखा। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिली मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर भी मिला। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में विक्रम साराभाई का भी योगदान काफी बड़ा रहा है। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में किया गया। या वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। ISRO में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा कि जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की, यानी कि अमेरिका का भी दौरा किया। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। याद रखिए, आपका पहला परमाणु परीक्षण होता है 1974 में, इसमें कलाम साहब भी जाते हैं। फिर दूसरे में तो आपने देखा है 1998 में कलाम साहब का ही योगदान बहुत बड़ा उसमें था, उसकी सफलता में। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में ही किया था। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। क्या थे वो? इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी दी। इसी परियोजना का परिणाम था कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के सचिव भी रहे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी के दौरान किया था 1998 में। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। R. चिदंबरम साथ ही कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास भी किया। इसे कलाम राजू स्टेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया। अब आता है उनका भारत के राष्ट्रपति की बात और कार। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। याद रखिए, दो शब्द यहाँ हमेशा आपके दिमाग में आते रहते हैं, NDA UPA। तो NDA में BJP और उसके जो भी सहयोगी दल होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है, और जो UPA होता है, UPA, इसमें कांग्रेस और उसके जो भी संगठन है, मतलब सहायक दल है, उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इससे पहले आपके डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बनने से पहले
भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया, किन्हें? डॉक्टर साहब को। और अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति के रूप में फिर आती आपकी प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। किन्होंने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने सेवामुक्त होने के बाद का समय। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षक, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। वो भारतीय प्रबंधन संस्थान सिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे हैं। याद रखिए, एक सामान्य परिचय रहता है, अगर इनकी जिंदगी के बारे में आप पढ़ें तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाया करेगा। और आपको पढ़ना है तो इन सभी लोगों की बायोग्राफी, जो आत्मकथा लिखी गई है, उसे पढ़िए। गांधी जी की पढ़िए, बढ़िया लिखी गई है गांधी जी की भी। गांधी जी की तो वो सच्चाई लिखी गई है जो हकीकत उन्होंने, इतनी सच्चाई मुझे नहीं लगता है कि आज हम लिख सकते हैं। आज अगर कोई भी आत्मकथा लिखता है तो बड़ा चढ़ा के लिखता है, लेकिन गांधी जी ने वो शब्द डाले हैं जो शायद एक आम इंसान के लिए डालना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो बड़ी अच्छी बायोग्राफी है। अब तो वैसे भी आपकी पीडीएफ के रूप में भी ऑनलाइन गूगल पर आप सर्च करेंगे मिल जाती है। डॉक्टर साहब ने आईआईटी हैदराबाद और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करती हैं। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए राइट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें दो बार यानी कि 2003 और 2004 में एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित थी। इसे आप लोग देखना, बहुत बढ़िया मूवी है। आई एम कलाम बहुत बढ़िया मूवी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं आराम से। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, इसमें आपका इंडिया 2020, आविजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विक्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया और इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये सभी इनकी बुक्स हैं। ठीक है, पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें अगर हम लोग, कि डॉक्टर साहब कौन कौन से सम्मान मिले थे कलाम साहब को। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 2014 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी उपाधि। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ मानद ये साइमन पेजा विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी। 2011 में आईईई मानद सदस्यता ये आपकी आईईई के द्वारा दी गई थी। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ये वाटरलू विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी। 2009 में मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड के द्वारा। 2009 में ह्यूमर मेडल ये आपका ASME फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दी गई थी। 2009 में अंतरराष्ट्रीय कर्मन बॉन बिक्स पुरस्कार कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नायांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा दिया गया था।
2007 में चार्ल्स द्वितीय पदक रॉयल सोसाइटी बेटेन के द्वारा, 2007 में साइंस की मानद डॉक्टरेट डॉक्टरेट ए बॉलबर्ग एम हेम्पटन विश्वविद्यालय बेटेन के द्वारा, 2000 सन 2000 में रामानुज पुरस्कार, ये आपका अल्वर्स रिसर्च सेंटर चेन्नई के द्वारा दिया गया था। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। 1997 में भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा। 1994 में विशिष्ट फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स भारत के द्वारा। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 1981 में पद्म भूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और अब आता है इनकी अंतिम विदाई का समय, यानी कि मृत्यु हो जाती है इनकी 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में। अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वो करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते अब्दुल कलाम साहब परलोक सिधार जाते हैं। उनके कई आपने स्टेटस भी सुने होंगे, कई उन्होंने वक्तव्य दिए आपको मोटिवेट करने के हिसाब से। आप अपने कई में से एक है, आपने आपने आप अपने भविष्य नहीं बदल सकते आप अपना, लेकिन अपनी आदतों में बदल कर और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं। और एक उन्होंने कहा था कि वो प्यार करने के लिए जरूर जिंदगी भी कम पड़ सकती है, पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। ये वक्तव्य भी आपके डॉक्टर साहब का ही वक्तव्य था। और एक बार उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। और वो फिर आपने देखा होगा ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट कर देती है, यानी कि सफेद यानी कि बना देती है। ये भी आपका डॉक्टर साहब का ही वक्तव्य। अगर तुम सूरज की तरफ चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा, ये भी आपके डॉक्टर साहब ने ही कहा था। तो इस तरह से आपकी ये डॉक्टर साहब। और एक और हाँ, उनका एक वक्तव्य और था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, क्योंकि नींद वाले सपने तो हर कोई देखता है, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं, ये भी उनका फेमस वक्तव्य है। चलिए, तो ये थी आपकी डॉक्टर साहब की जिंदगी के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे आपके हमारे देश की पहली राष्ट्रपति डॉ श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल साहब के बारे में, पहली महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत बढ़िया रोचक कहानी होगी इनकी, ठीक है।